ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला जब लिया तो कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ ने प्लेइंग 11 में दो बदलाव लिए थे, ग्लेन मैक्सवेल और जॉस इंग्लिश को बाहर कर दिया था। ठीक उसी प्रकार जब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 घोषित हुई तो रोहित और शुभमन ओपनिंग कर रहे थे। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे, वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे। भारत को जब पहला झटका लगा तो भारत को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा और पारी की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आउट हो गए। उन्हें मिचेल स्टार्क ने लाबुचन के हाथों कैच कराया और शुभमन गिल खाता भी नहीं खोल सके और एक ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 8 रन था। फिलहाल कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर थे, फिर उसके बाद में कोहली और रोहित की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते 3 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट गंवाकर 29 रन बना लिए थे। फिर उसके बाद जब स्टार्क ने एक ओवर में रोहित और सूर्या दोनों को आउट किया तो भारत ने शुरुआती 5 ओवर के अंदर 3 विकेट गंवा दिए थे। मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर में शुभमन गिल को कैच आउट कराया था। इसके बाद पारी के 5वें ओवर में उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट किया था। फिर क्या था, भारत एक मजबूत स्थिति को खो चुकी थी और केएल राहुल भी आउट हो चुके थे। यहाँ पर भारत बहुत ही गहराई में जा चुकी थी और 9वें ओवर में भारत को चौथा झटका लग चुका था। हार्दिक भी पवेलियन लौट चुके थे। भारत के राहुल के आउट होने के बाद भी टीम इंडिया संभल नहीं सकी थी। अगले ओवर में शॉन एबॉट ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया, जिसमें 10वें ओवर में 49 के स्कोर पर एबॉट ने हार्दिक पांड्या को स्लिप में स्टीव स्मिथ के हाथों कैच करा दिया था। इसके बाद 13वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 65 रनों पे 5 विकेट हो चुका था और भारत को जब छठवां झटका लगा तो 16वें ओवर में भारत को छठा झटका लगा, वो लगा विराट कोहली के रूप में, जिन्होंने मात्र 35 गेंदों पे 31 रन बनाकर अपनी पारी को संभाला था और जडेजा और अक्षर अब उसके बाद में क्रीज पर थे। दोनों ने 19 ओवर के बाद में भारत ने 6 विकेट गंवाकर 90 रन बना लिए थे। फिर उसके बाद में 7वां विकेट जब गिरा भारत को जब 7वां झटका लगा तो 20वें ओवर में 91 रन के स्कोर पर भारत को 7वां झटका लग चुका था। अब भारत बहुत ही गहराई में चली गई थी और स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। भारत को 9 झटके लग चुके थे। जब 9वां झटका लगा तो 25वें ओवर में 103 के स्कोर पर भारत को अचानक 2 और झटके लगे। शॉन एबॉट ने ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव को हेड के हाथों कैच कराया, वहीं 17 गेंदों में 4 रन बना सके। इसके बाद अगली गेंद पर मोहम्मद शमी को विकेट कीपर केरी के हाथों कैच कराया। तो ये थी दोस्तों 9 विकेट तक गिरने की कहानी। इसके बाद भारतीय टीम 117 रन पर सिमट गई और इस तरह से आज भारत की स्थिति बहुत ही खराब स्थिति में है। लगता है भारत आज ये मैच हार जाएगी और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 118 रन का लक्ष्य रखा। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क की कहर बरपा थी। गेंदों ने के सामने भारतीय टीम 26 ओवर में महज 117 रन पर सिमट गई। अब आगे हम आपको सारा हाल सुनाएंगे, तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।